कोली कोरी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस कठिन सवाल का जवाब बेहद आसान और सीधा साधा है। कोरी कोली समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। कोरी कोली जाति मूलतः एक है, लेकिन सामाजिक हैसियत और क्षेत्र के हिसाब से इसे कहीं अनुसूचित जाति में तो कहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। इस जाति के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है खुद को जातिगत तौर पर ऊंचा दिखाना। जिन राज्यों में कोरी कोली अनुसूचित जाति में आते हैं वहां ये लोग इस अकड़ में रहते हैं कि वो तो दूसरी अनुसूचित जातियों के मुकाबले ऊंचे हैं। ब्राह्मण से ज्यादा दुश्मन वाल्मीकि को चमार नजर आता है और कोरी को चमार नजर आता है, क्या इस को तोड़ सकोगे? अगर इसको तोड़ते हो तो लो संकल्प, लगाओ नारा जय भीम। नहीं लगा सकते क्योंकि बेईमान हम खुद हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में आप किसी भी कोरी कोली से बात करें तो वह खुद को चमार, धोबी, पासी, खटीक, वाल्मीकि आदि जातियों से ऊंचा बताएगा और बस इसी बात पर छाती फुलाकर घूमता दिखेगा। लेकिन गलतफहमी का मारा वो इंसान ये नहीं देख पाता कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स, बिजनेस, आर्ट, तकनीक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट समेत लगभग सभी क्षेत्रों में ये जातियां कोरी कोली से काफी आगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन जातियों ने अपनी छोटी सामाजिक हैसियत की सच्चाई को स्वीकार किया और किसी खुशफहमी में जीने की बजाय जी जान से आगे बढ़ने के प्रयास किए, जबकि कोरी कोली समाज के लोग इसी में खुश होते रहे कि वो तो इन जातियों से ऊंचे हैं। दूसरी अनुसूचित जातियों से ऊंचा होने की यही संतुष्टि उन्हें आगे बढ़ने से रोकती रही है और रोकती रहेगी। कोली टाइम्स की रिपोर्ट।